जारी रहेगा। अगर ये गठबंधन नहीं छूटेगा, आप किसी के बहकावे में नहीं आना। दिल्ली से जो भी फैसले करवाने होंगे, इस गठबंधन को फिर आएगा ये गठबंधन। यहाँ तक फैसला होगा, किसानों के पक्ष में फैसले होंगे। और जब जब भी किसान को, देश के किसान को जरूरत पड़ेगी, ये जो दिल्ली के चारों तरफ के जो स्टेट है, जो 500 किलोमीटर के लोग हैं, ये पूरे देश के भाग्य का फैसला करेंगे। आप नहीं करना, हमको इसको वक्त नहीं लेना। जो सिख बिरादरी है या बहुत पाटोर बिरादरी है, इसके साथ हम आपने मिला है, हम जानते हैं इसको। ये पाटोर बिरादरी है, बहुत जबरदस्त। हमारे जो हरियाणा के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो तालमेल हुआ है, ये आज तक तालमेल हुआ ही नहीं था। सबसे बड़ी पंजाब में सबसे बड़ी पुलिस, 6,000 महिलाएं आज भी दिल्ली में संगठन की है। 6,000 महिलाएं अभी हैं। ये जीत होगी, किसान की जीत होगी, इसकी बागडोर, इस आंदोलन की बागडोर देश के किसान के हाथ में है। यहाँ का फैसला देश का किसान करेगा। फसलों के फैसले हम ही किसान हैं। मैंने यहाँ पे कल जब पुलिस के लोग आए, ये रोकते देखे मैंने, ये हमारे जवान है, हमारे सब साथी है, सारे पत्रकार। बहुत धन्यवाद है पत्रकारों का, उन्हें बहुत साथ दिया इस किसान आंदोलन का। उनके ऊपर कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, किसान कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। ये जितना दिखा रहे बहुत है, आप हमारा नाम लेते रहो, आप नाम लेके कुछ भी कहो, हमारे लोग जो ठीक सीधे छाट सकते हैं, आपकी भी मजबूरी है। आप हमारा किसान का नाम लो, किसान का नाम लोगे, हम अपना आप साथ लेंगे। अभी आपसे शांति चाहिए, आप और कुछ नहीं चाहिए, और शांति। शांति के लिए दोनों हाथ उठा के भरोसा दिलाओ। ये मीडिया के लोग हैं, इनको दिखाते रहे, शांति का प्रतीक है, ये शांति का प्रतीक है, दिखाते के हम शांति के पुजारी हैं। धन्यवाद। देखिए टिकेट साहब ने कहा है कि हम किसी भी आंदोलन को